हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं बेस टावर, जो कि बहुत ही अच्छा होम थिएटर है। हम अंदर से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अंदर से देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। और ये देखिए 3-3 इंच के दो ट्यूटर लगे हुए हैं, और इसके अंदर एक बूफर लगा हुआ है 5 इंची 6 इंची का। और ये सामने से देखते हैं तो इसको ये मेमोरी कार्ड, ऑक्स और पेन ड्राइव के लिए स्लॉट दिया हुआ है। और ये वॉल्यूम अप डाउन और मोड चेंज करने के लिए, ये वॉल्यूम के लिए, ये बेस के लिए। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इसके अंदर कौन सी किट आती है, कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंदर से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है। पहले बाहर से देख लेते हैं इसके अंदर। इसकी प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों बहुत ही कम बजट का है ये, मात्र 1000 रुपये का ओनली फॉर। तो दोस्तों पीछे से देखते हैं तो इसमें एक अलग से स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर ये ऑक्स के लिए और दो स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट। और ये एफएम के लिए दिया हुआ है, और ये ऑन ऑफ स्विच, और ये पावर लीड। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पावर लीड दी गई है दोस्तों इसके अंदर। तो हम इसको ओपन करेंगे और अंदर से देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं इसको और देखते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर है। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका है ब्लूटूथ मोड। तो अब इस ऑन को ही हम ओपन करके देखेंगे कि क्या क्वालिटी है, क्या बेस है इसका, और कितने इंच के स्पीकर ट्यूटर लगे हुए हैं इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं इसको। तो दोस्तों आप घर पे ऐसा काम ना करें, अपने होम थिएटर को ओपन ना करें दोस्तों। तो हम ओपन करते हैं इसको। तो दोस्तों मैं एक एक करके सभी स्क्रू ओपन कर देता हूँ जल्दी से, और फिर आपको ओपन करके बताता हूँ। तो दोस्तों हमने इसके सभी स्क्रू ओपन कर दिए, बहुत सारे स्क्रू लगे हुए थे, तो अब इसको ओपन कर दिए, इसको बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर तो इसके अंदर 2019-2020 की वारंटी के साथ, 6 मंथ की वारंटी के साथ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों इसके अंदर। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा हैवी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है, ये 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों इसके अंदर। और ये जो किट लगी हुई है होम थिएटर के लिए वो देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर आईसी जो लगती है वो 20-30 आईसी लगती है, आईसी नंबर। तो मैं आईसी दिखाता हूँ आपको कौन सी वाली है इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए ये 20-30 आईसी है। जब भी आपके साउंड क्वालिटी या बूफर नहीं बज रहा है तो दोस्तों ये तीनों आईसी ख़राब हो जाती है, आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हो इसको। तो ये देखिए 320 आईसी, मैं आपको नंबर दिखाता हूँ इस आईसी के। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर भी लिखा हुआ है TA2030 IC। ये साउंड की आईसी होती है दोस्तों, होम थिएटर के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली आईसी। तो ये है ऑक्स वाला और स्पीकर आउटपुट देने के लिए, और ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। और इसके अंदर ये रहा दोस्तों स्पीकर। तो हम स्पीकर को ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सा वाला, ये वायरिंग की गई इसके अंदर अच्छे से दोस्तों। बिल्कुल बड़ा ही आसान है, आप अपने घर पे भी बना सकते हो दोस्तों होम थिएटर। होम थिएटर की प्लेट लीजिए और एक ट्रांसफार्मर लीजिए और बहुत ही अच्छा साउंड बना सकते हो दोस्तों घर पर भी। अगर आपको पैनल, इसके अंदर पैनल बहुत तरह के आते हैं दोस्तों, मैं आपको पैनल बता देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों एक सबसे आसान और सबसे अच्छा, ये देखिए ये पैनल यूएसबी ब्लूटूथ बीटी वाला, ऑक्स वाला, बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आप वायरिंग में बता देता हूँ कैसे होती है। तो दोस्तों वायरिंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वायर का ध्यान रखना ज़रूरी है बहुत। तो मैं अच्छे से फोकस करके बता देता हूँ। देखिए इसमें एक साइड में 5 वोल्ट और एक साइड में ग्राउंड, यानी कि माइनस का पॉइंट है,
और ये है यहाँ पे तो ये देखिए दोस्तों इसके आवाज़ की पॉइंट, मैं फ़ोन को फोकस, तो ये देखिए लेफ़्ट राइट स्पीकर के वायर के कनेक्टिंग और ये एंटीना का एफएम के लिए। तो बहुत ही अच्छा पैनल है दोस्तों ये वाला यूएसबी, जो कि लोकल मार्केट में बड़ा ही आसान मिल जाता है, ये कहीं से भी किसी भी मार्केट से मिल जाएगा दोस्तों आपको लेना हो तो अगर। और ये किट भी मिल जाती है दोस्तों, ये चैनल के हिसाब से 2.1 यानी कि दो स्पीकर के लिए, 2.1 का मतलब होता है 5.1 यानी 5 स्पीकर और एक बूफर समेत, मतलब 4 स्पीकर और एक बूफर लगा सकते हैं उसके अंदर, वो 5.1 चैनल या 4.1 चैनल का आता है दोस्तों। ये है 2.1 चैनल का, यानी कि एक बूफर और दो स्पीकर लगे हुए रहते हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर देखते हैं स्पीकर कौन सी क्वालिटी का लगा हुआ है दोस्तों इसके अंदर। तो जल्दी से मैं ओपन कर देता हूँ इस जाली को। तो ये रहा बूफर दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बूफर बड़ा ही अच्छा है, हाई पावर का बूफर लगा हुआ है ये दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन से ब्रांड का इसमें बूफर कंपनी का लगा हुआ है। जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं और फिर बाद में इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं, आपको कैसी लगती है साउंड क्वालिटी हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। बहुत ही कम बजट का होम थिएटर है ये दोस्तों टावर। तो इसके ये रबड़ की रिंग लगी हुई है और ये प्रोटेक्ट के लिए जाली लगी हुई है इसके अंदर। तो हम इसको ओपन करते हैं स्पीकर को और फिर हम जल्दी से इसको पैक कर देते हैं पीछे वाले स्पीकर को, ताकि वायर कटे वटे या ना, आप घर पे दोस्तों ऐसा काम ना करें, इसको ओपन ना करें और होम थिएटर को, नहीं तो आपकी वायर कट गई तो वापस रिपेयर नहीं हो पाएगा आसानी से, फिर आपसे नहीं हो पाएगा तो आपको इलेक्ट्रिशियन से करवाना पड़ेगा दोस्तों फिर। तो दोस्तों हमने सभी स्क्रू अच्छे से कस दिए हैं, तो अब हम बूफर को ओपन करेंगे और देखेंगे कौन सी क्वालिटी का बूफर लगा हुआ है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं। तो दोस्तों हमने चारों स्पीकर के वो स्क्रू ओपन कर दिए हैं, तो स्पीकर की क्वालिटी तो बड़ी अच्छी है और चुंबक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है दोस्तों, हैवी क्वालिटी का है। और ये देखिए दोस्तों इसके वायर बता देता हूँ मैं आपको, नेगेटिव पॉजिटिव वायर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये एक स्पीकर लोकल है, तो इस पर कितने वाट का कितने ओम का लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर जो इस साइज़ में आते हैं स्पीकर दोस्तों, वो ज़्यादातर 40 वाट के या 20 वाट के ही रहते हैं, इससे ज़्यादा हैवी नहीं रहता। अगर इससे ज़्यादा हैवी बूफर चाहिए आपको दोस्तों, तो आपको 8 इंच में बूफर लेना पड़ेगा, जो कि कम से कम आपको 40 से 80 वाट का मिल जाएगा दोस्तों। इसकी कंपनी, जैसे अगर आप कंपनी में लेना चाहोगे दोस्तों बूफर, तो आपको कंपनी में बहुत सारे बूफर मिल जाएंगे, मिल्टन के, एमपीएस के। तो दोस्तों मैं एमपीएस का इस बूफर बताता हूँ दोस्तों आपको कैसा क्वालिटी का आता है बूफर, जो कि मेरे पास अभी 4 इंची का अवेलेबल है दोस्तों एमपीएस का बूफर, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, तो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये है एमपीएस 4 इंच का बूफर, ये भी आप मार्केट से ले सकते हो, बहुत ही अच्छा बूफर है ये। तो मैं ओपन करके बता देता हूँ की क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों ये 4 इंची है बूफर, ट्विटर, ट्विटर की साइज़ आती है 72/15 और ट्विटर 13/53/11। ये एमपीएस का क्रिस्टल क्लियर साउंड विथ हाई क्वालिटी बूफर एंड स्पीकर दोस्तों, इस कंपनी की बूफर भी अवेलेबल है हमारे पास, एमपीएस बहुत ही अच्छा ब्रांड है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों ये एमपीएस का बूफर। तो ओपन करते हैं चलो दोस्तों। तो दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी हैवी क्वालिटी है, ये देखिए, ये देखिए 240 वोट मैक्स, यानी कि 240 के बाद में ये स्पीकर चल नहीं पाएगा दोस्तों, फट जाएगा दोस्तों, इससे कम मैक्सिमम पावर चाहिए इसको देने के लिए दोस्तों। और 4 ओम पे चलता है दोस्तों ये
इसका मॉडल नंबर है 53 साइज है इसकी, और हाई क्वालिटी साउंड है ये, हाई फाई साउंड है, बेस्ट क्वालिटी का है दोस्तों। अगर आप भी ऐसा बूफर लेना चाहते हो या तो लोकल मार्केट से ले लीजिए। तो दोस्तों ये 4 इंची का स्पीकर आपको बूफर अगर लोकल मार्केट में ना मिले, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम पार्सल कर देंगे दोस्तों आपके घर पे।